रेमिप्रेस 1.25 टैबलेट, इसे सिप्ला फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट इसकी 57 रुपीज है। तो कब आपको इसे लेना चाहिए, कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, कैसे इसका लेना चाहिए, क्या डोजिंग हो सकता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसे लेते समय, अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो रेमिप्रेस 125 टैबलेट, इससे जो कि सिप्ला फार्मा द्वारा बनाया जाता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है रेमिप्रिल 125 mg है। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, जिसमें जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में हो सकता है हार्ट अटैक आए, स्ट्रोक आए, या जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ चुका है, या जैसे कि आपका ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो रहता है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपका हार्ट बीट चेंजेस होते रहता है, अप डाउन होते रहता है, तब इसका इस्तेमाल करना है। हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल करना है। तो ये क्या करता है, इसका जो मॉलिक्यूल जो आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो रहता है वो एकदम आसानी से कर देता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स जो रहती है उसे रिलैक्स पहुँचाता है, ताकि आपको जो ब्लड वह प्रॉपर आसानी से आपके पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचे और आपका जो लोड था आपके हार्ट पे वह कम हो जाए। तो जिसके वजह से आपका जो फ्यूचर में आने वाले हार्ट अटैक या स्ट्रोक रहते हैं वह इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं इस तरह की समस्या में, तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें हाइपरटेंशन के लिए। और जैसे कि आपको हार्ट फेलियर हुआ, जैसे कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने वाले, तो उसके प्रिवेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका जो डोज रहता है ट्वाइस डेली डोज रहता है, फिक्स टाइम पे डोज रहता है। अगर आप कोई डोज भूल जाते हैं तो आप सिंगल डोज ही ले, डबल डोज ना करें। तो जैसे कि आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, जहाँ तक वो खाना खाने के बाद ले, ताकि आपको चक्कर वगैरह ज़्यादा महसूस ना हो। तो अगर आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो हो सकता है आपको चक्कर महसूस हो, आपको कफिंग हो, और इसे सर दर्द होगा, आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, आपका ब्लड का प्रेशर लेवल जो रहता है वह डिक्रीज हो सकता है। तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसे ले रहे हैं टैबलेट को, तो इसके साथ में अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, तो देखेंगे कि आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो कंडीशन है वह एकदम ठीक होने लगेगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और जैसे कि फ्यूचर में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, और मुझे इनकरेज करना चाहते हैं ताकि मैं और भी अपडेटेड रखूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।